कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। 11 मैया इसी दिन प्रकट हुई है। इस दिन का व्रत रख करके विधि विधान से यदि पूजा करने पर भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो भगवान नारायण की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी देवी की बहुत बड़ी कृपा होती है। घोर गरीबी का नाश करने वाली है एकादशी। विशेष एकादशियों में से एकादशी अब के बाद उत्पन्ना एकादशी यदि द्वादशी में देखी जाए तो 9 तारीख को ही एकादशी है। वैसे 8 तारीख को सुबह 5:05 पर एकादशी आरंभ हो रही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दशमी होने की वजह से इस दशम वेदी एकादशी का व्रत हमें करना नहीं है, दूसरे दिन की ही एकादशी करें। और दूसरे दिन को भी एकादशी प्रातः भोर में उदिता में है, जो कि सुबह भोर में 6:30 के बाद तक एकादशी है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत हरि वैष्णव जन 9 दिसंबर को ही करें, 9 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाए। तो काफ़ी लोगों के मैसेज फोन आ रहे थे कि एकादशी 8 तारीख को है या 9 तारीख को है, तो एकादशी द्वादशी वेदी एकादशी है, 9 ही तारीख को है। और दूसरे दिन वाली एकादशी ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है। इस एकादशी को प्रातः जल्दी से उठ करके स्नान कर करके भगवान की पूजा आप करें। इस एकादशी में विशेष रूप से माता लक्ष्मी को श्री शुक्ल के द्वारा पूजा जाता है और घी चम्मच के द्वारा मैया जी को चढ़ाई जाती है, फिर उस व्रत को हवन या जोत के लिए उसको प्रयोग में ले लिया जाता है।